प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लॉट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं। और आज एक और खुलासा हुआ है कि तत्कालीन जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा के पिता बद्री झा ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। तो अयोध्या के कमिश्नर के परिवार वाले जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के डीएम के पिता जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के तमाम अधिकारियों के रिश्तेदार जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर जमीन खरीदते हैं। तो जमीन के नाम पे जो जालसाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चंदा चोरी का खेल अयोध्या में चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर बनवाना है तो उसमें चंदा चोरी और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन बेईमानों को जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए।